हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में लीप ईयर को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेन फंक्शन मैंने बनाया है और यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक हमने ईयर नाम से बनाया है और यहाँ पर फिर प्रिंटएफ लिखा है क्योंकि यूजर द्वारा इंटर करवाना होगा तो यहाँ स्कैनर भी लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई है और ईयर को मॉड्यूलस करवाया है 4 से और यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया है और मॉड्यूलस किया है 100 से और नॉट इक्वल टू 0 है और यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज किया है। यहाँ पे देख सकते हैं ईयर को फिर मॉड्यूलो करवाया है और रिजल्ट 0 आ जाए तो यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए लीप ईयर, नहीं तो ये लीप ईयर नहीं है। बस छोटा सा प्रोग्राम है, देख सकते हैं आप। अब इसको चलाने की बारी है तो यहाँ बिल्ड पे चल के कंपाइल करवाते हैं और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे ईयर के नाम से सेव करता हूँ, ईयर डॉट सी, डॉट सी लगाना जरूरी, सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है। कंपाइल तो हो गया सक्सेसफुली, अब यहाँ से रन भी करवा देते हैं। तो रन करवाया तो पूछ रहा है कि लीप ईयर एंटर करिए जिसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो यहाँ हम 2023 में हैं अभी, तो 2023 एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। चलिए इसी प्रोग्राम को एक बार और यहाँ से कंपाइल एंड रन करवा देते हैं। अभी इस बार 2024 करते हैं, देखते हैं 2024 लीप ईयर है या नहीं है। तो देखिए 2024 बता रहा है कि लीप ईयर है। इस तरीके से आप लीप ईयर को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना सकते हैं।